हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये बक कन्वर्टर है और ज़्यादातर एलसीडी एलईडी टीवी और लैपटॉप रिपेयरिंग में ये इसका बहुत यूज़ किया जा रहा है रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर बक आईसी ख़राब होती है या फिर हमारा बक रेगुलेटर ख़राब होता है, तो हम इस रेगुलेटर के थ्रू उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो खास बात है, जो बक कन्वर्टर की जो इसकी खास बात है, वो है ये वोल्टेज को कम करता है और एम्पियर को बढ़ाने का काम करता है, जिसको जिसके थ्रू हम अपने सभी PWM सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये एक बक कन्वर्टर है और कई बार दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इनपुट सप्लाई लेता है और आउटपुट सप्लाई जो ये देता है वो अलग अलग देता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, जम्पर बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को टिप्स जो यहाँ पे कनेक्ट जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं जम्पर, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे जो आउटपुट सप्लाई निकलेगी वो 5 वोल्ट निकलेगी। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 3.3 निकलेगी। ये 2.5 वोल्ट के लिए है, 1.8 वोल्ट के लिए, 1.5 वोल्ट के लिए, यानी कि जो भी हम यहाँ पर जोड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज हमारे को आउटपुट मिलेगी। अब दोस्तों, प्रॉब्लम कई बार ऐसी आती है कि कुछ सोनी के एलसीडी एलईडी इस तरीके से आते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पैनल होता है, यानी कि सोनी की एलसीडी एलईडी में जो पैनल लगे होते हैं वो 12 वोल्ट की सप्लाई पे काम करते हैं, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक की इनपुट सप्लाई लेता है और आउटपुट इसके अकॉर्डिंग देता है। अगर हमारे को यहाँ पे 19 वोल्ट हम इनपुट दें और 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट लें, तो वो करने के लिए हमारे को ये मॉडिफाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये मॉडिफाई कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर मैंने सप्लाई जो दे रखी है वो 12 वोल्ट की सप्लाई अभी दे रखी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। अभी मैंने पावर इसको दी है और यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये 12 वोल्ट आ रहा है इसके अंदर इनपुट। और अभी अगर मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ तो आउटपुट के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट 1.2 वोल्ट के अराउंड ये आउटपुट करता है, 1.2 1.3 के अराउंड ये डिफ़ॉल्ट वोल्टेज आउटपुट करता है। और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इनपुट 19 वोल्ट दूँ और 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट लेना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी सप्लाई को बंद कर देता हूं, और अगर आपको इस तरीके से मॉडिफिकेशन करनी है तो आप देखिए किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके यहां पे आप ये देख रहे हैं, ये जो 5 वोल्ट का ट्रैक है इसको हम आपस में शॉर्ट करेंगे। ये देखिए, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमने शॉर्ट करी, फिर हमने 3.3 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट करी, ये देखिए, उसके बाद 2.5 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ पे शॉर्ट करी है। अभी ये तीनों हमने शॉर्ट कर दिए हैं और अभी हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम इसको 19 वोल्ट दें और हमारे को आउटपुट 12 वोल्ट की सप्लाई मिले। तो इसको करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक जो है एक यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मैं 10K की रेजिस्टेंस इसको इस तरीके से जोड़ूंगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा इस पर पेस्ट लगाएंगे ताकि फिनिशिंग से ये काम कर सके। ये देखिए, ये यहाँ पे जुड़ चुका है। अब इसको आगे आउटपुट हमारे को जम्पर के थ्रू कनेक्शन देना होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जम्पर जो हम यूज़ करेंगे वो एक मोटी वायर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये जम्पर वायर है, और अब मैं इसमें यहाँ पे एक जम्पर लगाऊंगा। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं थर्ड एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो थर्ड रेजिस्टेंस पे मैं यहाँ पे जम्पर लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये जम्पर लग चुका है, और अभी मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे जो मैंने 10K की रेजिस्टेंस लगाई है उससे मैं इसको ज्वाइन करूँगा।
अभी दोस्तों हम यहाँ पे इसको परफेक्टली जोड़ते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको सोल्डिंग लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे को फिनिशिंग से काम करना होता है। जहाँ पे भी हम काम करते हैं, अगर सर्किट पे जहाँ पे भी आप काम करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से आप काम करेंगे तो आपका काम परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जम्पर लगाया है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जम्पर है, और यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस लगाई है, जो कि ये जम्पर के थ्रू सीधा हमने इस रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। अभी हम इसको 19 वोल्ट की सप्लाई इनपुट देंगे और देखते हैं आउटपुट सप्लाई हमारे को कितना मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये मैंने 19 वोल्ट इसको इनपुट दिया है, तो मैं इसकी इनपुट वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 19 वोल्ट इनपुट आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखते हैं इसका तो ये हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी बक कन्वर्टर को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। और जितने भी हमारे सैमसंग सोनी के जितने भी सेट आते हैं जहाँ पे हमारे को पैनल के लिए वोल्टेज रिक्वायरमेंट पड़ती है कि उसका रेगुलेटर ख़राब हो जाता है और उसके लिए हमारे को इधर उधर ढूंढना पड़ता है, तो आप इस रेगुलेटर यानी बक कन्वर्टर का यूज़ करके अपने सेट को परफेक्ट रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इस तरीके की वीडियो आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। सर बनी नहीं वीडियो।